हेलो फ्रेंड्स, मेरी यम्मी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्रिसमस के मौके पर बहुत ही इजी स्टेप के साथ मार्वल केक बनाना शेयर कर रही हूँ। अपने घर में मौजूद सामानों से ये तैयार हो जाएगा। आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आए तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। केक बनाने के लिए, घोल तैयार करने के लिए एक बॉल लेते हैं। 100 ग्राम की मात्रा में हमने तेल डाला है, बिना खुशबू वाली रिफाइंड तेल, और 100 ग्राम की मात्रा में ही हम पाउडर शक्कर डालते हैं और इन दोनों को अच्छी तरह से फ्लफी होने तक मिक्स करते हैं। 2 मिनट का टाइम लेते हैं इसके लिए और अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। अब एक चालनी रखते हैं, 150 ग्राम की मात्रा में हमने मैदा यूज किया है। 1.5 कप मैदा हमने लिया है, 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर लेते हैं, 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा लेते हैं, 1 पिंच नमक डालते हैं और सब इन चीज़ों को मिक्स करते हुए छान के इसे तैयार कर लेते हैं। ये हमारा सामान छन गया है और अब इसका घोल तैयार करना है। एक गाढ़ा सा घोल, वेनिला एसेंस 1 टीस्पून डालते हैं और 1 कप दूध लेके इसका घोल तैयार करते हैं। दूध हमारा गर्म भी नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं, रूप नापार पर होना चाहिए। 1/2 कप हम इसमें दूध डालते हैं और घोल तैयार करते हैं। फिर धीरे धीरे, जिस तरह से थोड़ा थोड़ा ज़रूरत पड़ेगा उस हिसाब से हम इसमें दूध डालते हुए घोल को तैयार करते हैं। एक कप हमने दूध लिया था, अब हमारे पास 2 चम्मच दूध बच गया है। इस तरह का घोल हमने तैयार किया है, एक गाढ़ा सा। अब इस घोल को 2 भागों में बांट लेते हैं। कुछ चोको पाउडर हमें इसमें डालना है। अब 1/2 हमने कर लिया है और 2 टीस्पून हम इसमें चोको पाउडर यूज कर रहे हैं। एक पूरे फूल भर के हमने चोको पाउडर इसमें डाला है। अब इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। इसे मिक्स करने के लिए 1 टीस्पून हम दूध यूज करते हैं और इसे अच्छी तरह से स्पैचुला की मदद से घुमाते हुए इसे मिक्स कर लेते हैं और इसका घोल भी उसी तरह का होना चाहिए। जब हम घोल को नीचे गिराते हैं तो एक बार एक जगह जमा होना चाहिए और फिर फैलना चाहिए। इस तरह का घोल रहेगा तो हमारा केक बहुत ही अच्छा तैयार होगा। देखिए, दोनों के घोल एक जैसा तैयार हुआ है बिल्कुल। अभी हमारा घोल तैयार हो गया है। एक बर्तन लेते हैं केक बनाने के लिए, बटर पेपर डालते हैं और उसमें तेल ग्रीस कर लेते हैं। इस तरह का एक चम्मच लेते हैं, इसे बराबर बराबर की मात्रा में इसमें डालते हुए इसे बनाएंगे। अब देखिए, एक चम्मच हमने बीच में इसे डाला है। अब एक चम्मच हम इस घोल को डालते हैं, हल्का सा टेप करते हैं, दोबारा फिर डालते हैं, एक बार और टेप करते हैं, अब इसे वापस टेप करते हैं। इस तरह से हर बार हम इसमें घोल डालेंगे और हर बार टेप करेंगे ताकि ये अच्छी तरह से सेट हो जाए और इसमें गैप ना हो। देखिए, इस तरह से डालते हुए इसे तैयार करते हैं। स्टेप बाय स्टेप इस तरह से घोल को डालते हैं, एक बार व्हाइट और एक बार चोको पाउडर वाला। हर बार हमें इसे टेप करना है, 1-2 बार टेप करना है।
इस तरह से डालते हुए और टेप करते हुए इसे तैयार करते हैं। इस तरह का गाढ़ा घोल रखने से ये बहुत ही अच्छा तैयार होता है। टूथपिन लेते हैं और फिर इसका इस तरह से डिजाइन बनाते हैं, साइड से करते हुए बीच में छोड़ते हैं और इसे एक बार पोंछते हैं और हर बार इस तरह से पोंछते जाते हैं और इस डिजाइन को बनाते जाते हैं। देखिए ये तैयार हो गया है। कढ़ाई में हमने नमक डाला है, इस तरह का स्टैंड डाला है और इसे हम प्री हीट कर लिए हैं 10 मिनट के लिए लो और मीडियम फ्लेम पे। अब इसे बीच में ऐड करते हैं और ढक्कन से ढक के इसे 35 से 40 मिनट के लिए बेक करते हैं। 35 से 40 मिनट हो गया है। अब इसे एक बार चेक कर लेते हैं, टूथपिन लेते हैं और इस तरह से एक बार देख लेते हैं ये पका है या नहीं। ये पूरी तरह से पक गया है, तैयार हो गया है। गैस ऑफ करते हैं और इसे ठंडा होने के लिए छोड़ते हैं। ये बिल्कुल ठंडा हो गया है और बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है, बिल्कुल फ्लफी और बहुत ही बढ़िया तैयार हुआ है, सॉफ्ट। इसे साइड से अलग कर लेते हैं। एक प्लेट पे उल्टा करके और इसे निकाल लेते हैं। बहुत आसानी से निकल गया। बटर पेपर को अलग कर लेते हैं। अब इसे दूसरे प्लेट डाल के और सीधा कर लेते हैं। देखिए इस तरह से सीधा कर लिए। ये मेरा मार्बल केक बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही फ्लफी तैयार हुआ है, बहुत ही सॉफ्ट। आप इसे ज़रूर ट्राई करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, लाइक करें।